सनातन बंधुओं, माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 29 जनवरी शुभ दिन सोमवार को उमापति महादेव के प्रथम गण कलयुग के युगाधीश्वर भगवान श्री शनिदेव कुंभ राशि में ही वक्री हो जाएंगे। यूं तो श्री शनिदेव वर्ष 2024 में कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे, किंतु समय समय पर उनकी चाल में परिवर्तन होता रहेगा। 29 जनवरी को शनि की वक्री चाल अर्थात उल्टी चाल का प्रभाव सभी राशि के जातकों पर देखने को मिलेगा। कुछ राशि के जातकों पर इसका प्रभाव विपरीत होगा तो कुछ राशियां भगवान श्री शनिदेव की वक्री चाल का सीधा लाभ प्राप्त करेंगी। मेष राशि, वृषभ राशि, धनु और तुला राशि, इन चार राशि के जातकों के जीवन में सफलता के नए सोपान होंगे, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, चारों ओर से सफलता की सफलता प्राप्त होगी, रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। तो वहीं अन्य राशि के जातकों के जीवन में परेशानियां, दुर्घटना, वाहन दुर्घटना और नाना प्रकार के संकट सामने आएंगे। ऐसे जातकों को चाहिए कि वह शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं, शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे भगवान श्री शनिदेव की उल्टी चाल का प्रतिकूल लाभ उनके जीवन में न आए।